यूपी के बहराइच बाराबंकी नेशनल हाईवे की शाहपुर टोल प्लाजा पर टोल देने को लेकर अपना दल के नानपारा विधायक के समर्थकों के साथ टोल कर्मियों का जमकर विवाद हुआ। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई जिसमें कई वाहनों के शीशे टूट गए। टोल कर्मियों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर समर्थक हाईवे पर धरने पर बैठ गए। विधायक भी वहीं मौजूद रहे जिसके कारण पूरे नेशनल हाईवे का यातायात ठप हो गया। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो नजारा देखकर दंग रह गई। पुलिस की काफी मान मनोबल व कार्यवाही के आश्वासन पर विधायक व समर्थकों ने धरना समाप्त किया। पूरी घटना को लेकर विधायक द्वारा मुकदमा लिखे जाने को लेकर तहरीर भी दी गई। मारपीट व हंगामे के कारण करीब एक घंटे तक नेशनल हाईवे का यातायात बाधित रहा। आपको बता दें कि अपना दल के विधानसभा नानपारा के विधायक राम निवास वर्मा अपने समर्थकों के साथ कई वाहनों को लेकर लखनऊ में आयोजित अपना दल के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे। शाहपुर टोल पर विधायक के वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों से टोल लेने की बात कर्मचारियों ने कही। विधायक समर्थकों ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते विवाद और बढ़ गया और विधायक समर्थक व टोल कर्मियों में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान लाठी डंडे भी निकले और पत्थरबाजी भी हुई जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। मारपीट की घटना को लेकर आहत विधायक समर्थक के साथ नेशनल हाईवे पर ही गाड़ी खड़ी कर धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक भी वहां मौजूद रहे जिसके कारण नेशनल हाईवे का यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। टोल प्लाजा के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी। जाम लंबा होने पर सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और विधायक व उनके समर्थकों से बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने विधायक से कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। काफी मान मनोबल के बाद विधायक और उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर दिया जा रहा धरना समाप्त किया। इस मामले को लेकर विधायक और समर्थकों ने मसौली थाने पहुंचकर टोल कर्मियों के खिलाफ अभद्रता मारपीट व तोड़फोड़ करने को लेकर तहरीर भी दी है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए बाराबंकी से ब्यूरो रिपोर्ट।